अच्छा, अगर एटम एक शहर हो, इलेक्ट्रॉन उसका रिहायशी हो, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एग्जैक्ट एड्रेस पता करना हो, तो वो एड्रेस देने वाले मसीहा का नाम है क्वांटम नंबर। जी हाँ जनाब, टुडे वी गोना स्टडी अबाउट द क्वांटम नंबर्स। हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स को स्टडी करना है, इलेक्ट्रॉन के मुकम्मल एड्रेस को, एग्जैक्ट एड्रेस को, उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तक पहुंचने के लिए आज हम क्वांटम नंबर्स का सहारा लेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से गिरते एक एटम के अंदर किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके कहाँ किस तरह पाया जाता है, वो सब आज हमने क्वांटम नंबर्स में स्टडी करना है। तो राइट, आगे चलते हैं जी। हमारे पास क्वांटम नंबर की डेफिनेशन ये है, तो क्वांटम नंबर्स आर सर्व एज अ आइडेंटिफिकेशन नंबर और लेबल्स। बात तो वही है कि एक मुकम्मल एड्रेस, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ कैसे किधर पाया जाता है, उसका एग्जैक्ट यानी कंप्लीट एड्रेस जो हमें देता है वो क्वांटम नंबर्स देते हैं। सो क्वांटम नंबर्स आर यूज टू फाइंड आउट द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम वेयर एवर दे आर रिवॉल्विंग। तो क्वांटम नंबर्स सर्व एज आइडेंटिफिकेशन नंबर लेबल विच कंप्लीटली डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन। दिस क्वांटम नंबर स्पेसिफाई पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, एक एटम में उसकी पोजिशन का उसका एड्रेस देते हैं, वो मैंने दो तीन दफ़ा आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अच्छा अब ये देखो कि हमारे पास दे आर फोर नंबर ऑफ क्वांटम नंबर विच कैन डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली। अच्छा, बात यह है, ज़रा थोड़ा सा मैं इसकी टाइप बताने से पहले आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये बता दूं। बेटा, बोहर ने हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एक फिक्स एनर्जी लेवल के अंदर रिवॉल्व करता है। ठीक है, बस इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन जब हमने पढ़ा, जब उसको मज़ीद एक अच्छी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूज़ किया गया, उसकी वेव्स को गुजारा गया, तो फिर हमने देखा कि जो आपके पास लाइंस आ रही थी, स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही थी, वो मज़ीद फाइन स्ट्रक्चर के अंदर सब डिवाइड हो रही थी, छोटी छोटी और बारीक बारीक लाइन्स में कन्वर्ट हो रही थी। तो ये बात पता चली कि सिर्फ एक, यानी कि जो आप शेल नंबर जिसको आप कहते हो या ऑर्बिट कहते हो या एनर्जी लेवल कहते हो, इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल एड्रेस देने के लिए काफ़ी नहीं है। उस लाइन का मज़ीद फाइन स्ट्रक्चर में सब डिवाइड होना इस बात को शो करता था, सॉरी, देयर वुड बी मोर क्वांटम नंबर्स। वो कुछ और भी है जो कि इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताएगा। और फिर वो बाद में जब रिसर्चेज हुई तो पता चला कि जनाब बोहर ने तो सिर्फ शेल बताए, शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिट, शेल के अंदर होते हैं सब शेल, सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसकी रोटेशन किस तरह होती है, ये सारा जो मैंने चार बातें बोली वो हमें क्वांटम नंबर्स ने मज़ीद जब आपके पास रिसर्चेज हुई तो उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर सुन लें कि बोहर ने मैं सिर्फ इतना बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स एनर्जी लेवल के अंदर रिवॉल्व करता है। ठीक है, लेकिन जो उन वेव्स को स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू देखा गया, स्पेक्ट्रल लाइंस मजीद सब डिवाइड फाइन स्ट्रक्चर में हो रही थी, तो इसका मतलब सिर्फ एक क्वांटम नंबर एटम इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताने के लिए काफ़ी नहीं है, मजीद रिसर्चेज ज़रूरी हैं। रिसर्चेज हुई तो पता चला कि वो जो बोहर ने बताया था उनको हम कहते हैं शेल्स या ऑर्बिट्स। शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स, और सब शेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और किसी भी ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो ये चार बातें जो मैंने आपको बताई, इसी को अगर आप दूसरा नाम देते हैं तो वो हमारे पास क्वांटम नंबर्स हैं। तो यहां पे हमारे पास चार किस्म के क्वांटम नंबर हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है हमें, मैं पहले आपको ब्रीफली बता दूं, नंबर ऑफ शेल्स हमें शेल्स के बारे में नॉलेज देता है, या शेल को आप ऑर्बिट भी कह लो, या आप उसको एनर्जी लेवल कह लो, यानी कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितनी दूर पाया जाता है, यह भी आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं वो बताता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट क्वांटम नंबर, डेट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें बताता है इलेक्ट्रॉन किस शेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल में मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूर है उसकी पोजीशन बताता है, ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अच्छा, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम एल से शो करते हैं, ये हमें क्या बताता है जी, ये हमें बताता है सब शेल्स के बारे में। किसके बारे में बताता है? सब शेल्स के बारे में। ठीक है, कि शेल के अंदर भी सब शेल्स होते हैं, जो वो मजीद स्पेक्ट्रल लाइंस डिवाइड हुई थी उसके बारे में जो मजीद डिवाइड हो रही थी वो सब शेल्स थे। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है? ये हमें बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, याद रखो सब शेल्स के अंदर मजीद ऑर्बिटल्स होते हैं, और कोई भी ऑर्बिटल हो बेटा, याद रखो ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, यानी कि दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में नहीं हो सकते। कोई भी सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं मजीद, वो दो दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हर ऑर्बिटल में होते हैं, चाहे वो किसी भी सबशेल के ऑर्बिटल हों। ठीक है, ये याद रखना बस। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, आप उसको एस से शो करते हैं, और ये हमें बताता ये है
कि ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन है, अब बात यह है कि एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, बात समझ आती है। अरे भाई दोनों इलेक्ट्रॉन ही है, और दो इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि दोनों पे चार्ज तो सेम होगा, और सेम चार्ज तो आपस में रिपेल करते हैं। तो कभी आपने सोचा कि इलेक्ट्रॉन तो एक ऑर्बिटल में दो हैं तो वो रिपल्शन क्यों नहीं करते? जी हाँ, रिपल्शन इसलिए नहीं करते कि इलेक्ट्रॉन जो दो होते हैं ऑर्बिटल में, वो दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट होती है। स्पिन ऑपोजिट होने का मतलब यह है कि जब वो ऑपोजिट है तो उनका आमना सामना होता ही नहीं, रिपल्शन होती नहीं, इसीलिए वो ऑर्बिटल के अंदर पाए जाते हैं। अगर तो रिपल्शन होती फेस करते तो फिर तो भाई लड़ाई होती रहती और वो ऑर्बिटल को निकल छोड़ के बाहर निकलते रहते, रिपल्शन होती रहती वहाँ पर। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑपोजिट स्पिन करते हैं, इसीलिए उसको प्लस वन बाय टू और माइनस वन बाय टू कहा जाता है स्पिन को, ठीक है, ऑपोजिट स्पिन करते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑपोजिट स्पिन करने की वजह से, क्योंकि रिपल्शन नहीं करेंगे तो वो ऑर्बिटल के अंदर पाए जाते हैं, राइट। तो ये हमें स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन अगर स्पिन कर रहा है तो वो क्लॉकवाइज कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, प्लस वन बाई टू क्लॉकवाइज और माइनस वन बाई टू एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को बताता है। तो ये मैंने एक शॉर्ट सिनेरियो में आपको ग्लिम्प्स दिया है कि आपके पास क्वांटम नंबर्स क्या है, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं।